खबर रीवा से है, जहां मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों का चयन करें। इन हितग्राहियों को अभियान के दौरान 33 योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उनके निराकरण की जानकारी पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज होगी। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से संबंधित पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पोर्टल में इसके लिए अलग से मॉड्यूल बनाया गया है। इसमें आम आदमी भी अपने आवेदन पत्र दर्ज कर सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अभियान के दूसरे चरण में चुने हुए हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करें। विभागीय आवंटन के अनुसार योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। हितग्राहियों समारोह पूर्वक हित लाभ का वितरण कराएं। इनमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। अभियान के प्रथम दिन 17 सितंबर को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, विद्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर, वृक्षारोपण जैसे कार्य भी अवश्य करें। महिला स्व सहायता समूहों को भी ऋण एवं बैंक लिंकेज का भी लाभ दें। मुख्य सचिव ने बताया कि अभियान के दौरान 33 प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति की जानी है। इसके लिए जिला और विकास खंड स्तर पर अलग अलग विभागवार नोडल अधिकारी तैनात कर दें। ग्राम स्तर तक के कर्मचारी को अभियान के संबंध में प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी जानकारी दें। मॉनिटरिंग करें। शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनसेवा अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से कमिश्नर अलिन सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वपिल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा सभी SDM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए।